मेरे सभी प्यारे दर्शकों को राम राम। मैं पंकज बिष्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द किचन खजाना में। तो दोस्तों, रविवार का यह दिन है, भरी दोपहरी, और आ चुके हम अपने वही देसी खेत और खलियान में, हमारे अपने चूल्हे पे, जो कि हमारा देसी फूड बनाने का एक, आपके तक आपको स्वाद पहुंचाने का एक जरिया है। तो वैसे भी सर्दियों का समय है, इसमें आपने आलू पराठा, मूली पराठा, प्याज पराठा, गोभी पराठा तो खूब पराठे खाए होंगे, पर जो आज एक स्पेशल तरीके का पराठा है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, मिक्स वेज पराठा, और एक सबसे स्पेशल लाल मिर्च की चटनी, देसी लाल मिर्च की चटनी, जो कि खाली बन रही है सीधा हमारी सरिता दीदी की रसोई में। एकदम देखिए, खेत से वो सब पूरी ताजी सब्जियां तोड़ रही हैं। आप देखिए कितने पूरे हरे भरे ये खेत है, और वहां से हमारी अभी गोभी टूट रही है। तो सीधा उनसे जानते हैं कि अभी क्या क्या सब्जी लगेंगी और क्या क्या तैयारी है हमारी। तो आइए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं देखिए दीदी के पास। दीदी इस वक्त गोभी तोड़ रही है। कितनी गोभी लगी देखिए, पूरे चारों तरफ गोभी गोभी फैली हुई है। तो दीदी, आज जो हमारा स्पेशल, सबसे पहले तो आपको राम राम हमारी, आप हमारे, तो ये बताइए आज हम खाने वाले मिक्स वेज पराठा। हाँ जी। तो इसमें कौन कौन सी सब्जी लगेगी, कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगेंगी जो इसका नाम मिक्स वेज है? इसमें गोभी लगेगी, इसमें पनीर भी डलेगा, और हरा धनिया, हरी मिर्च, और सारे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मारी वेज, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी सारी है सर। तो ये जो हमारी मिक्स वेज है, देखिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ये देखिए हमारा बथुआ तोड़ रहा है इस वक्त, और बथुआ और पालक मिक्स वेज के जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो दोनों अभी हम ले रहे हैं। हमारी सब्जी ले ली है उन्होंने, बाकी सब्जी हमने तोड़ के रखी है, तो सीधा चलते हैं चूल्हे पे। आइए तो दोस्तों, हमारी देखिए सारी वेजिटेबल्स हो चुकी है चॉप। ये हरा पालक, धनिया, प्याज, टमाटर, ये हमारी देसी लाल मिर्च, ये तो इनकी हमारी बहन जी की स्पेशल मसालों की डिबिया, पनीर, अदरक, और भी देखिए बहुत तरह की, और ये हरी सब्जी, ये गुप्त। तो हम सीधा आ चुके हैं हमारी ओपन खेत में, जो स्पेशल रसोई आज सेट की गई है ऐसी तपती हुई धूप को देख के, जो ठंडी में बहुत ही सुख देती है। और ये देखिए दीदी तैयार कर रही है सब स्पेशल मिर्ची की चटनी। तो दीदी क्या प्रोसेस है इसका आप बताइए? अच्छा, ये साबुत लाल मिर्च, ये भी आपके खेत से ही है? अच्छा, सारे आइटम देखिए, जितना हमारे खाने में जो सबसे स्पेशल चीज है हमारे इस चैनल की, लहसुन है हमारा, तो उसमें सारी आइटम जो है इनके खेतों से ही आई है। देखिए लहसुन, ये हमारा अदरक का पेस्ट है। अच्छा, ये आपने अदरक का पेस्ट। हाँ जी। तो अच्छा, इन चीजों से, ये इतनी सारी मिर्ची है तो ये काफी ज्यादा तीखी चटनी बनने वाली है आज कुछ। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए इसमें नमक पड़ गया है, और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे हम खुशबू के लिए। अच्छा, हींग जो है ये खुशबू के लिए इसमें। तो ये देखिए, और सबसे अच्छी बात, आजकल जितनी चटनी खा रहे होंगे आप, खा रहे होंगे मिक्सर ग्राइंडर, इन सब में चटनी बनती है, और हमारी आज बन रही है पीसने के बाद टमाटर डाल देंगे हम, सिलबट्टे में बन रही है हमारी चटनी। और ये देखिए हमारा पूरा जो मेहनत है वो कितना रंग लाएगी, रंग क्या उसका स्वाद रहेगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे अभी। तो थोड़ा धनिया डाल देंगे। अच्छा, ये धनिया किस लिए? थोड़ा हरा कलर के लिए चटनी में। देखिए थोड़ा, वैसे भी धनिया जो है पड़ते ही आंखों को कितना सुकून देता है। डाल देंगे, ये हमारी ग्रेवी बनेगी जो चटनी की। ग्रेवी बनेगी, थोड़ी मिर्च तीखी ज्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, टेस्ट भी आएगा तो ज्यादा तीखी ना लगे, क्योंकि तीखा हम वैसे ही कम खाते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए जो हमारी दीदी हैं, शेफ हैं, वो देखिए कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा टमाटर, प्याज, मिर्च सब पीस दिया है इसमें। तो अब चटनी ऑलमोस्ट हो जाएगी बन के तैयार। ये देखिए इसमें एक एक दाना देखिए आप लाल मिर्च का, मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्पाइसी सी दिख रही है। तो आज कुछ तीखा और बहुत ही चटपटा सा खाने को मिलेगा। तो अब हम लाल चटनी, तो हमारी तीखी लाल चटनी बनके हो चुकी है तैयार। तो इसके बाद हम आगे बना रहे हैं मिक्स वेज पराठे। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे मूली कसी हुई। ये कसी हुई मूली। हाँ ये देखिए मूली पूरी कसी हुई है इन्होंने, जो मूली कसते हैं वो तैयार ऑलरेडी कर रखी है। हमारी फूल गोभी। अच्छा, ये फूल गोभी हमारी। ये देखिए कितनी छोटे छोटे पीसेस में हमारी फूल गोभी वो कर चुकी है, कस दिए। ये प्याज। अच्छा, ये प्याज। अच्छा, ये जो हमारे जितने आइटम बन रहे हैं इससे कितने पराठे बन जाएंगे हमारे? लगभग 10-12 पराठे बन जाएंगे भाई, आज बन जाएंगे 10-12 पराठे। तो मैं कुछ, ये पनीर है हमारा, ये है पनीर। ये देखिए पनीर की भी कितने बारीक बारीक टुकड़े। तो एक बहुत ही बेहतरीन मिक्स वेज पराठा, जो कि आप देखेंगे होटलों में मिलता होगा, पर असली सब्जी, असली खेतों का जो एम्बियंस है, जो माहौल है जो हमें मिल रहा है इस वक्त, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। हरी मिर्च है ये, हरी मिर्च, आज मिर्च ही मिर्च है, हरी मिर्च, लाल मिर्च। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, ये अदरक लहसुन। ये कस्तूरी मेथी है। इसका क्या फायदा है हमारी कस्तूरी मेथी का? ये हमारा हाजमे का काम करती है, बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा, ये हाजमे के लिए सही है। हाँ जी। चलो, हमारा हो गया हरा धनिया। ये देखिए सारे हमारी मिक्स वेज में जो भी आपकी जितनी विटामिन प्रोटीन से भरी हुई सब्जियां होती है, वो सारी सब्जियां इन्होंने कर दी है अपने मिक्स वेज में यूज। तो अब ये हम मिलाएंगे किसमें, मतलब आप क्या करेंगे इसमें? इसको मिक्स कर लेंगे, और बथुआ के आटे,
अच्छा ये देखिए, एक बार देखिए आप कि जो हमारा ओपन चूल्हे पे बन रहा है उस पर कितनी मेहनत लगती है, कितना जो धुआं है पूरा उनकी आंखों में जा रहा है, फिर भी हम एक खेत में बना रहे हैं। ये सिर्फ टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। ये देखिए स्वाद अनुसार हमारा नमक। तो आपने जो हमारा आटा तैयार किया है वो नॉर्मल आटा है? नहीं, बथुए का आटा है। अच्छा, वो आटा भी हमारा बथुए का है। तो हमारी हर जो भी आइटम है उसमें हरी सब्जियों का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। ये देखिए ये आपकी ये लाल मिर्च है, जो आप मिर्च से कुछ ज्यादा लगाओ है आपका, भर भर के मिर्च रहती है हमारे खाने में। हाँ जी, इससे बहुत टेस्टी बनता है खाना। ये देखिए स्पाइसी बनता है, जो लोग आजकल पसंद करते हैं थोड़ा स्पाइसी चटपटा सा खाना। और इतनी सब्जियां हैं कि इसको जितना भी खाओ उतना फायदा ही फायदा है, इसका नुकसान कुछ नहीं है। मूली हाजमे के लिए अच्छी है। और हमारा हो चुका है, ये ऑलरेडी सारा आइटम मैश हो चुके हैं। अब बथुए का जो आटा देखिए, ये देखिए कितना, ये देखिए पूरा हरा कलर का जो बथुए का आइटम आटा हमारा इन्होंने गूंद के तैयार रखा हुआ है। अब इसके बनाएंगे छोटे छोटे डो और उसमें बनेंगी हमारी जो भी ये फिलिंग है। ये देखिए दोस्तों पूरा जो धुआं है आंखों में जा रहा है, लेकिन जो मजा है ये भरी खेत में, ये देखिए पूरा खेत है पीछे, वो बहुत ही एक अच्छा माहौल हमें प्रदान कर रहा है बथुए का आटा। अब हमारा बथुए का आटा हो चुका है गूंद के तैयार। और अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा दीदी? इसमें भरेंगे मिक्स वेज जो हमने बनाई है पिट्ठी। अच्छा ये देखिए, पहले तो ये जो इन्होंने बना रखी है लड्डू जैसे बॉल सी बना रखी है, ये देखिए कितने परफेक्ट शेप और साइज। अच्छा ये पूरे, ये देखिए कितने अच्छे से पूरा जो स्टफिंग है बथुए के आटे के अंदर ही पूरा हो चुका है। ऐसे लग रहा है पहले आपने देखा वो मूली की रोल थी, अब ये एक बथुए के आटे का बन चुका है एक रोल प्रॉपर। और अब इसकी बनेगी, तो ये हमारी मिक्स वेज का जो है, जो आज का हमारा खास आइटम है मिक्स वेज का पराठा, वो ये देखिए। तो उसको देखिए आप एक बार लेवल देखिए कितना मोटा पराठा है। ये पराठा आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो पराठे मिलते हैं नॉर्मल, वो इतनी पतली लेयर के होते हैं। पर वही है, देसी खाना है तो कुछ भी चीज कंजूसी से तो होगी नहीं, सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से होगी। मोटे मोटे पराठे, खास अपनी लाल मिर्च की चटनी, तो सब कुछ आज ये देखिए इतनी स्टफिंग है हमारी प्रॉपर, जो भी हमारी स्टफिंग है पूरी तरीके से फैल चुकी है। और ये चढ़ चुका है हमारा आइटम चूल्हे पे, पूरा धुआं ही धुआं आ रहा है। देखिए चूल्हे की ये जो आग है, ओपन खेत की वजह से हल्की हल्की जो हवा आ रही है उसका मजा ही कुछ और है ठंडियों में। तो ये देखिए जो प्रोसेस है, आप भी नॉर्मल पहले आप डो बनाइए, उसके अंदर अपने जो अपनी सब्जियां मिक्स की है उसकी कर दीजिए स्टफिंग। तो उसको वही चूल्हे का जो हमारा प्रोसेस है उसके बाद, ये देखिए एक तरफ से हमारा वो सीखने के लिए हो चुका है वो तैयार, और पूरी तरीके से हो चुका है हमारे पराठे तैयार। तो ये देखिए हमारे जो पराठा है वो वैसे ही इतना हेल्दी था, और उसमें अभी हमारा देसी घी। तो ये जो आप वैसे मक्खन भी आप खुद ही घर से आपके भैंसों से आप करते हैं, ये घी भी आपका ही घर का बना हुआ। तो ये जो हमारा पराठा है देखिए पूरा देसी घी में, ये देखिए देसी घी से पूरा पराठा हमारा है लबालब। और जो हमारे को अब मिलेगा देसी घी का स्वाद देसी अंदाज में देसी दीदी के हाथों। ये देखिए हमारा, देखिए एक बार ये देखिए आप देखिए जो ये जो हमारा ये देखिए पराठा है, ये ऊपर से जो लेयर आ चुकी है लाल लाल सी हो चुका है, तो कुरकुरा जो पन आएगा पराठे में क्रिस्पी, ये उस वजह से आएगा। तो दीदी आपको ये जो आपने कितनी देर में हमारा ये हो जाएगा तैयार पराठा पूरा? 2 मिनट से तैयार हो जाएगा। अच्छा 2 मिनट में। अब देखिए इसके बाद जो इसकी स्टफिंग है, जो अंदर आलू पराठे तो आपने खूब खाए, मूली प्याज, लेकिन इसमें जो सब कुछ वेजिटेबल्स मिक्स है उसका भाई आज ये करना, दी आनंद आएगा स्वाद आएगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो मुझसे तो नहीं हो रहा है वेट, बस वेट कर रहा हूँ ये कब तवे से उतरे और मेरी प्लेट में आए सच के हो जाए तैयार, और सीधा खाऊं इनको और दूं आप तक एक रिव्यू। तो दोस्तों हमारा खाना जो है देसी अंदाज में हो चुका है बनके एकदम तैयार। ये देखिए हमारा है मिक्स वेज पराठा जो कि बथुआ की रोटी और बहुत सारी चीजों से बना है। इसमें देखिए मक्खन, देखिए कितनी क्वांटिटी में मक्खन है, और हमारा अपना बूंदी का रायता, और सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो स्पेशल डिश, ये देखिए लाल मिर्च की चटनी देसी लाल मिर्च की, और मक्खन देखिए गाइस कितना ज्यादा मक्खन है हमारे पास पराठे। तो आज का स्टॉक हो चुका है हमारा तैयार, और सलाद के लिए देखिए देसी अंदाज में अपनी मूली बढ़िया एकदम। तो अभी करते हैं इसकी शुरुआत और दिखाते हैं आपको कैसा इसका जायका। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मनोज भाई। तो मनोज भाई कर दीजिए एक बार बताइए, कर दें खाना शुरू भाई, आज के हमारे मेहमान है ये, तो आने में इतना टाइम लग गया भाई, अब भूख लग रही है बहुत, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए सीधा बिना देसी देरी के आइए। ये देखिए मक्खन से बिल्कुल लबालब, और थोड़ा सा लगा लेता हूँ मक्खन। ये देखिए इतना बढ़िया ये देसी मक्खन है कि देखिए देखिए भरपूर। अरे मनोज भाई इतना खाओगे तो आज ही सेहत बन जाएगी पूरी। अरे भाई जिंदगी में बचेगा ही क्या, खाना ही बचना है, तो आज लबालब खा लेते बहन जी के हाथों का खाना। ये देखिए ये है असली देसी पंच देसी आदमी, ये इतना मक्खन देखिए, ये भाई साहब ये तो पूरा मक्खन ही मक्खन कर दिया है। और चलिए करते हैं शुरू, बिल्कुल सर करो। ये ले ली हमने तीखी लाल मिर्च की चटनी के साथ,
मैं थोड़ा मक्खन डाल रहा हूँ, आपको खिलेगी नहीं भाई। बहुत तीखी चटनी है जो लाल मिर्च, देसी लाल मिर्च की चटनी है, वाकई में बहुत ज्यादा तीखी है ये। आपको नहीं लग रही है मनोज भाई तीखी? नहीं भाई मुझे नहीं लग रही, हमारे तो भाई ये बिल्कुल, अगर जब तक तीखापन ना हो, सन्नाटा ना हो, सन्नाटा ना हो, तब तक तो जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक तो मजा ही नहीं आया भाई। भाई इनका तो डेली का है ये तीखा खाना, पर आप लोग जो है मिर्च अपने अनुसार रखिए, जितना आप खाते हो टेस्ट पूरा इनकी रेसिपी फॉलो कीजिए, और थोड़ा कम कर दीजिए अगर कम खाते हो। मुझे जरूरत पड़ेगी इस रायते की, अभी बूंदी की रायते की। पराठा का स्वाद कैसा भाई? भाई पराठा देखिए, आपको दिखाई देता हूँ एक बार, ये देखिए। पहले तो आप इसकी स्टफिंग देखिए, देखिए सब जो आपको इसमें जो भी मैंने आपको आइटम दिखाए थे सब एकदम बहुत अच्छी है स्टफिंग, और बहुत ये मक्खन तो बहुत ही लाजवाब मक्खन। भाई हमारे खेत की स्पेशल मूली को भी टेस्ट करो जरूर भाई, ये देखिए डायरेक्ट खेत और सभी चीज ताजा ताजा। तृप्ति स्पेशल फूलगोभी ये जरूर टेस्ट करनी भाई, ये बिल्कुल इसी के पराठे बने हमारे आज में के लिए भी फ्रेश फ्रेश ताजा। ये नहीं लसुन, ये नहीं हल्दी से लूंगा, क्योंकि कच्ची सब्जियां खाने की मुझे आदत नहीं है, देसी आदमी है अपने, इनका तो ये खाना डेली का रूटीन है। बस सेहत से ही पता दिख रहा है भाई, खाते पीते घर के एकदम आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सारा क्रेडिट जो खाने का आज जाता है हमारी भैंडियो, जब तक हम इनके साथ हैं खाने की हमें कोई कमी नहीं, अच्छा खाना मौज में रोज लेते हैं जी। बहुत बढ़िया खाना बनाने लगे आजकल, ये वीडियो का कमाल है, जब आप देखेंगे कि उनके खाने का स्वाद और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। आपको सिखाने के चक्कर में और आपको दिखाने के चक्कर में रेसिपी और रिव्यू, देखो कितना मस्त खाना हमें मिल रहा है। तो आज हमारे जीजा जी जो अभी कैमरे पे हैं, आज वो लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं इस खाने का, वो बिहाइंड द कैमरा उठाएंगे, पर हमारी मौज आ गई है फुल। हर संडे खेत में बढ़िया गाँव का फील लो, मस्त रहता, सबसे बढ़िया आती है खाट, देखिए खाट में बैठ के आराम से भरे खेत में अलग ही मजा है, बहुत उमदा सस्ती होगी भाई पंगल। तो भाई ऐसे ही अगर आपको आगे और भी स्वादिष्ट आना चाहिए तो क्या करना है आप लोगों को बता दीजिए एक बार। भाई ऐसे ही जाएगा देखने के लिए गांव वाली फीलिंग आजकल के माहौल में, तो हमारे चैनल को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सारे ग्रुप में शेयर करो, फैला दो वीडियो, तो इस वीडियो इतना फैला दो कि शहर में रह रहे सब लोगों को पता चलेगी ताकि असलियत खाना है, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी से अच्छी डिश, अच्छी अच्छी हरियाणवी और अलग अलग स्टेट की, इस चैनल में हम सारी डिशेस कवर करेंगे, हरियाणवी, गुजराती, राजस्थानी, पूरा इंडिया कवर करेंगे। ऐसे अपना प्यार फैलाते रहें, सब्सक्राइब रहें द किचन खजाना को, थैंक यू, बाय बाय।